हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम वीमी डोगरा, आप सबकी सोनोसोलॉजिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज का अपना टॉपिक होगा नंबर 9 के लिए, जिनकी बर्थडे 9, 18 एंड 27 है, उनका नंबर 9 होता है। आज मैं आप लोगों को 9 नंबर की क्वालिटी, उनका लकी नंबर और उन्हें कौन से कलर्स यूज करना है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। 9 नंबर यानी कम्प्लीट नंबर, 1 to 9 नंबर की क्वालिटीज इनमें पाई गई है। डिसिप्लिन, टॉल, हैंडसम होते हैं। लाइफ में इन्हें रिस्क लेना पसंद है, इन्हें स्पोर्ट्स पसंद है और ड्राइविंग का भी काफी शौक होता है इन्हें, लेकिन ये ड्राइविंग बहुत रैश करते हैं। तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि ड्राइविंग रैश ना करें, ज्यादा बेटर है। और इनका नेचर एग्रेसिव होता है, स्टबर्न होता है, गुस्सा तो इनके नाक पे रखा होता है। अपने अंडर वर्क करना, जैसे कोई इनके अंडर वर्क कर रहा है वही ठीक है इनके लिए, लेकिन ये किसी के अंडर वर्क नहीं कर सकते, हमेशा बॉस रहना चाहते हैं। और नो नेचर, मौसम कब बदल जाए पता नहीं, वैसे ही इनका नेचर कब बदल जाए कोई पता नहीं, कब सामने वाले की इंसर्ट कर दे ये भी पता नहीं। इनके लकी नंबर्स हैं 3, 6 एंड 7 और जो इन्हें नंबर यूज नहीं करने हैं 5 एंड 9। 4 और 8 भी इन्हें यूज नहीं करना है। इनके लकी कलर्स हैं रेड, ऑरेंज, पिंक, ग्रीन एंड व्हाइट। हर वीडियो में मैंने आपको कहा है कि रेड कलर लकी नहीं होता है, लेकिन 9 नंबर के लिए रेड कलर आप यूज कर सकते हैं रेड, लेकिन ज्यादा भी यूज नहीं करना है, लेकिन आपके लिए रेड कलर अच्छा है। और जो कलर इन्हें यूज नहीं करना है वो है ब्लैक। ब्लैक आपको टोटली अवॉइड करना है। आप करियर के लिए IAS ऑफिसर, प्रिंसिपल, आर्मी, मशीनरी वर्क, जो भी हार्ड वर्क है, मशीनरी वर्क जैसा मशीन में खट खट जहाँ सब मशीनें यूज होती है, अब वो वर्क ज्यादा आपके लिए अच्छा है। इनका मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः 108 की माला आपको चैंट करनी है। और हेल्थ के बारे में आपको बताऊंगी कि इनको BP का प्रॉब्लम्स, किडनी एंड स्टोन, मसल्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। रेमेडीज है इनके लिए योगा, एक्सरसाइज और सीनियर लोगों को रिस्पेक्ट करने के लिए, मेन माता पिता, अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि इनका नेचर एग्रेसिव होता है और इसलिए इनके जो मैरिज लाइफ होती है तो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए अपने रिश्तों को संभाल के रखिए और एक दूसरे के एहसासों को बरकरार रखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल देना चाहूंगी सलमान खान जी का। सलमान खान जी का बर्थडे 27th of December है। 2+7 यानी 9 नंबर, वो भी 9 नंबर से रूल करते हैं। पूरी दुनिया जानती है उनके नेचर के बारे में, एग्रेसिव है उनका नेचर, लेकिन जैसे जैसे एज की तरफ आगे जाते हैं उनका इनका गुस्सा कम होता चला जाता है। लेकिन इनमें एक प्लस पॉइंट है कि लोगों की हेल्प बहुत करते हैं, हेल्पफुल नेचर होता है इनका। आज का अपना एपिसोड लास्ट था। अपनी सीरीज 1 to 9 की जर्नी आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताइएगा। अपनी लाइफ में कभी कभी ऐसे लोग आ जाते हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं, लाइफ काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो ये सीरीज आपको हेल्प करेगी सामने वाले बंदे को पहचानने के लिए। भगवान ने उन्हें अपने अपने नंबर दिए हैं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती है, अपना अपना नेचर होता है, ये सब नंबरों का खेल है। इसलिए सामने वाला बंदा ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों है, इस सीरीज से आपको काफी हेल्प मिलेगी कि बंदे का नेचर ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। सामने वाले पर्सन को एक्सेप्ट कीजिए नंबरों के साथ में। इस सीरीज में मैंने आपको काफी अच्छा दिखाने की कोशिश की है कि आप सामने वाले बंदों को पहचान सके। जिन्होंने मेरी सीरीज नहीं देखी है, ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके आप सीरीज देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और कमेंट में जाकर आप मुझे बताइए ये आपको सीरीज कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो उसके बारे में भी बताइए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए घर में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।